Hello students, welcome to CR International School Online Classes. How are you, beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. Today we will discuss about again chapter wahi hamara hai unitary method. Last class में हमने unitary method ही किया था. आज फिर से हम unitary method करेंगे. Okay, beta. Question read करने हैं. Firstly हमें three planes can carry. Three planes. Plane मतलब हवाई जहाज यानी plane. Three planes can carry. Carry मतलब उसमें अंदर passenger आते हैं. Carry मतलब लोड लेता है यानी वो अपने अंदर बिठा के ले जाता है. कैरी करता है अपने अंदर, मतलब कैरी मतलब अपने अंदर मतलब सामान, जैसे हम कैरी कहते हैं ना, हमने हमारे इस बॉक्स के अंदर इतना सामान कैरी कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं. तो प्लेन में भी इतने पैसेंजर भर कर ले जाता है. ओके, कितने? 1185 पैसेंजर्स. ओके, कहने का मीन्स है थ्री प्लेन्स में 1185 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है. कितने प्लेन्स? थ्री प्लेन्स. हाउ मैनी पैसेंजर, बताओ कितने पैसेंजर्स कैन बी कैरीड, कैरी करेगा इन एट प्लेन्स. एट प्लेन्स में कितने कैरी कर सकता है? अब एट में पूछा है तो नेचुरल सी बात है, एक का नहीं है, वन से ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे. बट हम ज्यादा की वैल्यू मल्टीप्लाई तब निकालेंगे जब हमें वन की वैल्यू पता होगी, तभी तो हम ज्यादा की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ थ्री की वैल्यू दी हुई है, एट की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ बोल दिया, तो हम 8 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे जब तक हमें 1 की वैल्यू का नहीं पता होगा. तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? 1 पैसेंजर की, सॉरी 1 प्लेन्स की, कि 1 प्लेन कितने पैसेंजर कैरी करता है. 3 प्लेन का पता है कि इतने पैसेंजर कैरी करता है, तो 1 प्लेन का करने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड किससे? 1185 को 3 से, तो हमारा 1 प्लेन का निकल जाएगा ना. चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट. थ्री प्लेन्स कैन कैरी पैसेंजर्स, क्या लिखेंगे बेटा? थ्री प्लेन्स कैन कैरी पैसेंजर्स इज इक्वल टू 1185. ओके, अब हमें कितने का निकालना है? थ्री का है ना, तो वन का निकालना है, तो हम ओ एन ई वन भी लिख सकते हैं या फिर वन भी राइट कर सकते हैं. क्लियर? वन प्लेन कैन कैरी पैसेंजर, वन प्लेन कैन कैरी पैसेंजर्स वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटी फाइव को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? थ्री से, तो हमारा वन प्लेन का आ जाएगा. चलो डिवाइड करते हैं हम. 1185 डिवाइड बाय थ्री. थ्री थ्री जा नाइन, इलेवन से छोटा नाइन ही है ना, तो इलेवन माइनस नाइन टू, ऊपर से आया एट. थ्री के टेबल में 28 आता है? नो, 27 आता है ना. थ्री नाइन जा 27, थ्री नाइन जा 27, माइनस किया तो वन, ऊपर से आया फाइव, गाड़ी लेके. थ्री फाइव जा 15, थ्री फाइव जा 15. ओके, यानी वन प्लेन कितने पैसेंजर कैरी कर सकता है? 395. तो हमारे पास वन पैसेंजर कैन, तो हम यहाँ आंसर क्या जाएगा? 395 पैसेंजर्स. ओके, वन प्लेन का आ गया हमारा. अब हम निकाल सकते हैं कितने का? एट प्लेन्स का. अब हम एट प्लेन्स का निकाल सकते हैं ना, वन की वैल्यू पता है, एट की निकालनी है तो क्या कर देंगे? वेरी गुड, मल्टीप्लाई. ओके, तो हम यहाँ वन की जगह क्या लिख देंगे? एट प्लेन्स. क्या लिख देंगे? एट प्लेन्स कैन कैरी पैसेंजर्स. इज इक्वल टू, इस डिवाइड को बेटा साइड में रफ में करना. ओके, रफ में नहीं, मतलब साइड में एक रफ लाइन ड्रॉ करके. ओके, कितना हो जाएगा? 395 मल्टीप्लाई एट. हम 395 पैसेंजर को एट से मल्टीप्लाई कर देंगे. एट फाइव जा 40, 40 की जीरो, कैरी का फोर. एट नाइन जा 72, 72 प्लस फोर 76, 76 का सिक्स, कैरी का सेवन. एट थ्री जा 24, 24 प्लस सेवन 31, कितने आ गए? 3160 पैसेंजर, 3160 पैसेंजर.
ये पैसेंजर हमारे एट प्लेन जो है वो कैरी, पूछा था ना उसने एट प्लेन की, तो पूछा है कि एट प्लेन कितने पैसेंजर कैरी कर सकता है, तो एट प्लेन कितने पैसेंजर कैरी कर सकता है, 3160। कट इट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, 2250 क्रिप्स आर इक्वली पैक्ड इन 18 पैकेट्स। ओके, जो 2250 क्रिप्स है, ओके, क्रिप मीन्स चाहे एयर क्रिप्स लगा लो, चाहे वो कील होती है, नेल्स जो होती है, उस तरह की भी दूसरी तरह की क्लिप्स आती है ना, वो क्लिप्स कुछ फील मान लो, इक्वली पैक्ड इन 18 पैकेट्स। 18 पैक्स में इक्वल पैक्ड है, यानी वन वन पैकेट में, जितनी वन में है ना उतनी ही 18 पैकेट्स में टोटली इक्वली पैक्ड की गई है, ठीक है। इतनी क्लिप्स है, 18 पैकेट है, उसमें इक्वल ही उसके अंदर डाला गया है। ओके, हाउ मैनी क्लिप्स आर देयर इन 13 पैकेट्स, बताओ 13 पैकेट्स में कितनी आएगी। 18 पैकेट में तो बता दिया कि इतनी क्लिप्स है, अब वो पूछे 13 पैकेट में कितनी आएगी। कमाल की बात है ना, तो ज्यादा की पूछी ना कम की पूछी, ज्यादा की ऑलरेडी बता रखी है 18 पैकेट्स की, वन की वैल्यू इन्होंने पूछी नहीं, इन्होंने डायरेक्ट 13 की वैल्यू पूछी है कि 13 पैकेट्स में कितनी आएगी। अब हम ज्यादा की तभी निकाल सकते हैं बेटा जब हमें वन की वैल्यू मालूम होगी, तो पहले हमें क्या करना है, वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसमें टू सम्स बनते हैं बेटा, पहला डिवाइड का, सेकंड मल्टीप्लाई का। ओके, तो पहले हम वन की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट क्या लगेगी बेटा हमारी, क्लिप्स आर पैक्ड इन 18 पैकेट्स, इन पैकेट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, क्लिप्स आर पैक्ड इन पैकेट्स। ओके, क्लिप्स आर पैक्ड इन पैकेट्स, क्लिप्स पैक्ड है पैकेट्स में, कितने पैकेट्स में, 18 पैकेट्स में। ओके, हमें कितनी की निकालनी है, एक मिनट बेटा, स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारा आएगा 22,250 क्लिप्स आर पैक्ड इन पैकेट्स इज इक्वल टू, बेटा स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी गई है, फिर से देखो बेटा, सेम वही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्लिप्स आर पैक्ड इन 18 पैकेट्स। ओके, क्या राइट करेंगे हम, क्लिप्स आर पैक्ड इन 18 पैकेट्स इज इक्वल टू, क्लिप्स कितनी पैक है 18 पैकेट्स में, 2250। अब हमें 1 की निकालनी है ना, तो क्या लिखेंगे हम, क्लिप्स आर पैक्ड इन 1 पैकेट इज इक्वल टू, अब 1 के लिए डिवाइड कर देंगे हम, 2250 डिवाइड बाय 18, हम 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखो यहां साइड में डिवाइड कर दूं बेटा मैं, 2250 डिवाइड बाय 18, 18 वंजा 18 माइनस किया तो इसने 1 कैरी दिया, 12 माइनस 8 4, ऊपर से आया 5, 18 वंजा 18, 18 टूजा 36, 18 थ्रीजा 54, तो हमारा 2 पे जाएगा, 18 टूजा 36 माइनस किया, 5 में से 6 कट नहीं होगा, इधर से इसने लिया तो यहां गया 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 3 0, ऊपर से आया 0, कितना हो गया 90, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90। ओके, यानी हमारे 1 पैकेट में कितनी क्लिप्स पैक्ड की जाएगी, 125 क्लिप्स। क्या आंसर आया यहां, 125 क्लिप्स। ओके, अब हमें कितने की निकालनी है, 1 का पता चल गया हमें, 1 की वैल्यू, अब हम इसकी 13 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब ज्यादा की निकालनी है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या राइट करेंगे हम, क्लिप्स आर पैक्ड इन, कितने पैकेट्स में पूछा है बेटा, 13 पैकेट्स इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 13, 1 की वैल्यू ये है और 13 की निकालनी है, तो 1 की वैल्यू को 13 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई
चलो मल्टीप्लाई करें, 125 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 5 जा 15 का 5, कैरी का 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 5 का 5, 7 और 5, 12, 12 का 2, कैरी का 1, 3 प्लस 2 5 और 1, 6 1, कितना आ गया 1625 फ्लिप्स, 1625 क्लिप्स, यानी 13 पैकेट्स में कितनी क्लिप्स आएगी, 1625 क्लिप्स। कट इट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ कार कवर्स 2025 किलोमीटर इन 25 आवर्स, यानी वो इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट करती है, 25 आवर्स में, हाउ मच डिस्टेंस डज, बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 18 आवर्स में, उसने 25 आवर्स का दे रखा है, 25 में इतने आवर्स कवर करती है और 18 आवर्स का पूछा है, 18 का कैसे निकाल सकते हैं, ज्यादा का निकाल सकते हैं, हम ज्यादा का कब निकालते हैं, जब हमें 1 की वैल्यू पता हो, यहाँ तो 1 की वैल्यू नहीं पता ना, तो पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, ओके 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसके स्टेटमेंट क्या लगाएंगे बेटा, A car covers in 25 hours. In 25 hours is equal to 2025 kilometer. इतने किलोमीटर कार कवर करती है 25 hours में, निकालना कितना है 1 hours का, तो क्या लिख देंगे, इट लिख दें इसकी जगह, इट कवर्स इन 1 hour, अब यह है 1 hour में कितने किलोमीटर कवर करेगी, 2025 डिवाइड बाय 25, इसे 25 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू पता चल जाएगी ना, कि 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2025 डिवाइड बाय 25, अब 25 के टेबल में 2 नहीं आता, स्मॉल है, फिर 20 20 लिया तो वो भी नहीं आता, 25 इज बिगर देन 20, तो हम 202 ले ले, अब 202 में 25 की टेबल में क्या आएगा, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 25 थ्री जा 75, 25 फोर जा 100, 25 फाइव जा 25, 25 सिक्स जा 150, 25 सेवन जा 175 एंड 25 एट जा 200 माइनस 2, 20 में से 20 ऊपर से आया 5, 25 वन जा 25, यानी 81 किलोमीटर, 1 hour में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो, 81 किलोमीटर, ओके अब हम कितने का निकाल सकते हैं, 18 का, 1 hour का पता है कि 1 hour में इतना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 18 का इजीली निकल जाएगा, क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो क्या लिख देंगे, इट कवर इन 18 आवर्स इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 18, 81 को 18 से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 1 जा 1, 1 8 जा 1, प्लस कर देंगे 8, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 8 40, 1458 किलोमीटर, क्या आ जाएगा 1458 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगी वो कितने आवर्स में, 18 आवर्स में। आई होप अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।